प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। प्रदेश में सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। प्रदेश में तीन दिन और ज्यादा अभी बारिश का कहर देखने को मिलेगा। प्रदेश के कई बांधों में जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बांध के गेट खोलने पड़ रहे हैं। मौसम विभाग ने अति भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश के 17 जिले हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। नर्मदापुरम संभाग के जिलों में ऑरेंज अलर्ट हो चुका है जारी। साथ ही शहडोल, जबलपुर, सागर, भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर का वो इलाका, उज्जैन का संभाग जहां पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना आने वाले दिनों में नजर आ रही है। बारिश का दौर लगातार जारी है। सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। प्रदेश में तीन दिन बारिश का दौर अभी और जारी रहने का आसार मौसम विभाग की तरफ से जताया जा रहा है। प्रदेश के कई बांध जहां पर जलस्तर बढ़ने से बांध के गेट खोलने पड़े हैं। 17 जिलों में भारी बारिश की आशंका। चलिए और ज्यादा जानकारी हम लेंगे हमारे सहयोगी आकर्ष शर्मा भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आकर्ष, लगातार तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से देखने को मिल रही हैं, जल प्रलय की तस्वीरें हैं। आगे क्या कुछ अनुमान, किस तरह से ये मौसम इसी तरह का बना रहेगा? अवंतिका, करीब तीन से चार दिनों तक इसी तरीके से मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जरूर लगाया था कि 17 तारीख के बाद बारिश की गतिविधियां कम होंगी, लेकिन वो मौसम विभाग का कहना था कि बे ऑफ बंगाल में जो सिस्टम बना था वो कमज़ोर हो रहा है। कमज़ोर होने की जिस तरीके से पूर्वानुमान लगाया गया था उस तरीके से कमज़ोर नहीं हो रहा, उसका असर दो तीन दिन और मध्य प्रदेश में रहेगा। मतलब करीब 19 और 20 तारीख तक मध्य प्रदेश में इसी तरीके से बे ऑफ बंगाल में जो सिस्टम बना है जिसके चलते हम उड़ीसा की बात करें, नागपुर की बात करें, तो दो कम दबाव के क्षेत्र बने हुए हैं जिनके चलते एक ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। तो यही कारण है कि मध्य प्रदेश हम देख रहे हैं कि बारिश का दौर चल रहा है और औसत से ज़्यादा बारिश अभी तक मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड की जा चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि जो बे ऑफ बंगाल में सिस्टम है वो धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो चुका है, तो 18-19 तारीख के बाद मध्य प्रदेश में बारिश का दौर थमेगा, जो करीब 8 से 10 दिनों तक कम बारिश मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, लेकिन हल्की फुल्की बारिश क्योंकि जो साउथ वेस्ट मानसून है उसका असर तो देखने को मिलेगा, लेकिन इस तरीके से भारी बारिश और अत्यधिक भारी बारिश का दौर देखने को 18 से 19 तारीख के बाद हमें नहीं देखने को मिलेगा। चलिए शुक्रिया आपका आकर्ष इस जानकारी के लिए। तो 18 और 19 तारीख को जिस तरह से आकर्ष ने बताया बारिश का दौर थम जाएगा, झमाझम बारिश लेकिन तब तक होती रहेगी। आने वाले तीन दिनों के लिए भी अलर्ट जारी हो चुका है। कई इलाके ऐसे जहां पर मूसलाधार बारिश अभी भी देखने को मिलेगी।